खबर कोटा के महावीर नगर थाना इलाके से है, जहां नाकाबंदी के दौरान एक कांस्टेबल को कार से कुचलने के प्रयास में तीन आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने धर दबोचा। तीनों आरोपियों को पुलिस ने गाड़ी नंबर के आधार पर ढूंढते हुए स्वामी विवेकानंद इलाके से पकड़ा। सब इंस्पेक्टर रामस्वरूप ने बताया कि अग्निशमन तिराहे के पास चुनाव के चलते नाकाबंदी करवाई गई थी और इसी दौरान एक तेज रफ्तार कार बैरिगेट्स को तोड़ते हुए आगे निकल गई और इस पर कांस्टेबल किशन ने उसे रोकने का प्रयास किया तो कार सवार युवकों ने कांस्टेबल को कुचलने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश करते हुए प्रदीप योगी, रवि नागर और धीरज नागर को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से अब पूछताछ में जुटी है। गौतम समुदाय एवं के पास मैं अपने जाब्ते के साथ नाकाबंदी कर रहा था, उसी समय एक सफारी गाड़ी अग्निशमन तिराहे की तरफ से आई। जाब्ते ने और मैंने उसको रुकवाने का प्रयास किया, उन्होंने अचानक गाड़ी तेज गति से चलाई जिससे कांस्टेबल किशन बोनेट पे टक्कर से जा गिरा और बोनेट पे फंस गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए बोनेट को पकड़ा। गाड़ी चालक ने किशन को गिराने के लिए घटोत्कच चौराहे से पहले अड्डे टेढ़े कट मारे और घटोत्कच चौराहे से आगे पावर हाउस के सामने ब्रेकर पे उसको गिरा दिया और कुचलने का प्रयास किया।